बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग होने जा रही है, बिनांस की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया है। और भी बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं, OKX, Crypto.com और भी जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं, सभी इसको लिस्ट करने वाले हैं। लिस्टिंग कब होगी, आपको कितने टोकन मिलेंगे और आपने जो माइनिंग की है टेप टेप करके, उसमें आपको कितने टोकन मिलेंगे, इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या होगी, आने वाले टाइम में इसकी प्राइस क्या हो सकती है, इस वीडियो में ये कंप्लीट डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को मिस नहीं करना है, कंप्लीट वॉच करना है। और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हम बिनांस की वेबसाइट पर यहां पर आपको कंप्लीट डिटेल शेयर कर देता हूं। इंट्रोड्यूसिंग हैमस्टर कॉम्बैट यानी HMSTR ऑन बिनांस लॉन्च पूल। आपको पता होना चाहिए कि बिनांस जो है वर्ल्ड का लीडिंग एक्सचेंज है, और जब भी बिनांस लॉन्च पूल के अंदर किसी भी कॉइन की लिस्टिंग होती है, उस कॉइन की लिस्टिंग प्राइस के अंदर 50x से लेके 100x तक का मूवमेंट होता है। ये बहुत नॉर्मल है, मतलब मिनिमम 50x का मूवमेंट। अगर 0.01 पर भी लिस्ट होता है तो भी 1 USD प्राइस चली जाएगी, 0.05 पर लिस्ट होता है तो 2 USD के अराउंड प्राइस जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अब पहली चीज तो ये कि कौन कौन हैमस्टर कॉम्बैट की माइनिंग कर रहा था, कौन कौन हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग का वेट कर रहा था, वो जल्दी से कमेंट करके बता दे। और आपको देखिए, हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर जो आपने कॉइन माइन किए थे, वो पूरे के पूरे कॉइन आपको नहीं मिले, तो आपको कितने कॉइन मिले हैं ये आपको यहां पर कमेंट करना है, क्योंकि कुछ परसेंटेज में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो आपको कितने टोकन मिले हैं वो आपको कमेंट करना है। दूसरा, यहाँ पर लिस्टिंग कब होने वाली है, ये तो आपने माइन किया है टेलीग्राम के थ्रू, और मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है। हालांकि मेरे वीडियोस जो है वो कम आ रहे हैं, लेकिन जो भी वीडियो आ रहा है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है, और मैंने आपको बताया कि कोई भी वीडियो मिस नहीं करना। मैं अब आपके लिए भले ही कुछ कॉइन्स जो शेयर करता हूँ, कम कॉइन शेयर करता हूँ, लेकिन अगर आप उनको बाय करते हैं, अभी रिसेंटली जो मैंने पिछले वीडियोज में कॉइन शेयर किए थे वो 20-30% से ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो बिनांस लॉन्च पूल के अंदर एक तो आपको टेलीग्राम के थ्रू आपने माइन कर लिया, दूसरा अगर आपके पास BNB या FDUSD है तो आप बिनांस के अंदर, बिनांस अर्न पर आप जाएंगे, वहां पर जो लॉन्च पूल का ऑप्शन है वहां आपको BNB या FDUSD स्टेक करेंगे, तो वहां भी आप इस टोकन को फार्म कर सकते हैं। अब ये लिस्ट कब होगा, लिस्ट होने वाला 26 सितंबर को, यानी अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं, 2-3 दिन का फार्मिंग पीरियड है, और इसमें आप FDUSD और BNB स्टेक कर सकते हैं। लिस्टिंग के बारे में आपको बता दूं कि ये USDT पेयर में लिस्ट होगा, BNB पेयर में, FDUSD और TRY पेयर में लिस्ट होगा, सीड टेक के साथ में ये लिस्ट होने वाला है। अब यहाँ पर आपको टोकन का अगर नाम शेयर करें तो हैमस्टर है HMSTR। टोटल जो इसकी सप्लाई होने वाली वो 100 बिलियन कॉइन की होने वाली है। थोड़ा बहुत कॉइन यहाँ पर ये सप्लाई में नहीं लाने वाले हैं, 100 बिलियन कॉइन सप्लाई में लाएंगे, जिसमें लॉन्च पूल में सिर्फ और सिर्फ 3% टोकन जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि ये जो लॉन्च पूल होने वाला है इसमें 3 बिलियन कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद में कुछ कॉइन्स जो है वो आप नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए आपको मिल जाएंगे, KYC आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें भी अगर आप बिनांस में ट्रेड करते हैं तो। FDUSD पूल में आपको 15% जो टोकन है वो मिलेंगे, और BNB अगर आप स्टेक करते हैं तो 85% आपको टोकन मिलेंगे। टोटल जो सप्लाई है वो डे बाय डे इतनी होगी, ये कंप्लीट डिटेल है। सुपर अर्न के साथ आप इतना यहां पर अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको बिनांस की जो ऐप है जिसमें आप स्टेकिंग वगैरह कर सकते हैं वहां लेके चलूंगा, और दूसरा उससे पहले मैं आपको बता देता हूं प्राइस, इसके लिस्टिंग प्राइस क्या होने वाली है और आपको लगभग लगभग कितने टोकन मिलेंगे। देखिए, मेरे एनालिसिस के बेसिस पर इसकी जो लिस्टिंग प्राइस है, अभी हाल ही में डॉक्स कॉइन जो है उसकी लिस्टिंग हुई, और बैक टू बैक टेलीग्राम बेसिस जितने भी टोकन है जो बोट का यूज करके हम माइनिंग करते हैं, इन कॉइन्स की बैक टू बैक लिस्टिंग हो रही है, और डॉक्स कॉइन में भर भर के टोकन नहीं मिले थे। डॉक्स के अंदर आपको सिर्फ आप टेलीग्राम जितने टाइम से यूज कर रहे थे उस बेसिस पर आपको टोकन मिले थे, लेकिन यहां पर इन्होंने भर भर कर टोकन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो प्राइस है वो कम होने वाली है। अब बिनांस लॉन्च पूल के अंदर ही आया है तो नॉर्मली बिनांस लॉन्च पूल के अंदर 0.01 या 0.02 की प्राइस जो लिस्टिंग प्राइस रहती है। अब इसके अंदर क्या प्राइस हो सकती है, देखिए यहां पर या तो ये 0.01 या 0.02 पर लिस्ट होगा, और वहां से फिर 50x या 100x तक का मूवमेंट भी होता है, तो ये 1 USD तक जा सकता है। दूसरी चीज ये है
कि जिस टाइप से ये टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस बेसिस पर इनकी जो इसकी जो प्राइस है वो कम होने वाली, ताकि क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा यूएसडीटी जो है वो प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो 0.001 या 0.005 के अराउंड में लिस्ट हो सकता है। तो ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि किस लेवल पर इसकी लिस्टिंग होती है, वहाँ से ये किस लेवल पर जाता है। जब भी लिस्टिंग होगी हमारी तरफ से एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें आपको बताएंगे कि इसमें आपको सेल करना है, कॉइन्स को होल्ड करना है, या आप नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें किस लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। अब हम आपको बिनांस के पेज पर ले चलते हैं, बिनांस की जो ऐप है वहां पर कि किस टाइप से आप लॉन्च पूल के अंदर एंट्री ले सकते हैं। बिनांस ऐप ओपन है, यहां से आप न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे, वहां पर HMSTR लॉन्च पूल आपको शो हो रहा है, यहां से आपको लॉन्च पूल पर क्लिक करना है। यहां से आपको ऑप्शन यहां पर शो हो जाएंगे कि आपको FDUSD स्टेक करना है या BNB स्टेक करना है। देखिए हाल ही में CATI जो कॉइन है, काटी कॉइन जो है उसकी लिस्टिंग हुई है, डॉक्स की लिस्टिंग हुई है, टर्न कॉइन लिस्ट हुआ है। इसी टाइप से बैक टू बैक बिनांस लॉन्च पूल के प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। तो यहां से आप BNB से, आपके पास BNB है, आप BNB पे क्लिक करेंगे। मैंने अपना BNB जो है वो स्टेक किया हुआ है, तो मुझे अभी मैंने हाल ही में BNB स्टेक किया था, और आप अगर यहां देखेंगे तो मुझे 0.81 हैमस्टर कॉइन जो है वो मिल गए हैं सिर्फ 0.31 BNB के बेसिस पर। तो आप अगर 1 BNB, ये सिर्फ 30% पार्ट है 1 BNB का, 1 BNB स्टेक करते हैं तो भी आपको अच्छे खासे हैमस्टर कॉइन मिल जाएंगे। तो ये लॉन्च पूल में भी भर भर के कॉइन दे रहे हैं, FDUSD स्टेक करेंगे तो भी आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया 3 डेज का फार्मिंग पीरियड है, उसके बाद में लिस्टिंग हो जाएगी। अब एक और चीज़ ये है कि यहाँ से हम आपको जो इसकी एक्स हैंडल है, एक्स हैंडल पर भी लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट जो डिटेल है वो आपको शेयर करना है। देखिए ये इसका एक्स हैंडल है जिस पर 14.3 मिलियन फॉलोवर है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए किसी भी कॉइन की प्राइस के इंक्रीज होने में उसकी जो कम्युनिटी है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके पास में बड़ी कम्युनिटी है जो कि टोकन्स को होल्ड करती है, तो जब होल्ड करेंगे, कोई सेल नहीं करेगा, तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी और सप्लाई वहाँ पर कम हो जाएगी। अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो ऐसे में प्राइस के इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इस कॉइन में बहुत जल्दी इसके नए जो लेवल से ये ट्राई करेगा बैक टू बैक, ये अब नए हाई बनाएगा और बहुत अच्छे लेवल पर हम इस कॉइन की प्राइस देखेंगे। तो आपको ये मैं अभी नॉर्मल बेसिस पर या लिस्टिंग से पहले ही आपको बता रहा हूँ कि जिनको भी टोकन मिलेंगे लॉन्च पूल के अंदर या फिर आपने माइन किए हैं किसी भी बेसिस पर आपको मिले हैं, आपको कॉइन्स को होल्ड करना है। कम से कम आप 1 महीने भी होल्ड करते हैं, और लिस्टिंग के बाद में और भी मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें जो है वो बता दूंगा, बीच बीच में भी वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ये माइंडसेट रखना है कि आपको कम से कम 1 महीने इसको होल्ड करना है, उसके बाद में किस लेवल पर प्राइस जाएगी या क्या करना है वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, बहुत सारे जो लोग हैं नए आए हैं मार्केट के अंदर, जल्दीबाजी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, उनको बार बार मैं बताता हूं कि आपको गलतियां नहीं करनी है। हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में एनरोल करें, वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, सिग्नल्स, अपडेटेड लेवल्स और कई सारे बेनिफिट्स वहां पर मिलेंगे, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां आपको डिटेल मिलेगी और वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट है वो शेयर करते हैं, उसे भी आप ज्वाइन करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज से है, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे हैं। जो भी आपको डिसाइड करना है, किसी भी कॉइन को बाई सेल करना है, होल्ड करना है या किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, वो खुद के रिसर्च से ही करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।